नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज हम बात करेंगे एक ऐसी अंगूठी के बारे में जो खास तौर पर हर एक की अंगुली में नजर आती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कछुआ की अंगूठी की। कछुए की रिंग का प्रचलन आजकल कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। हर किसी के हाथ में कछुआ रिंग देखने को मिलती है। इस बात का ध्यान रखना अति आवश्यक है कि कछुआ रिंग धारण कब करें, कैसे करें और किस अंगुली में करें। दोस्तों, माना जाता है कि कछुआ भगवान विष्णु जी का अवतार है। कछुआ जल तत्वों से संबंध रखता है। माना जाता है कि कछुए की रिंग में भगवान विष्णु जी का वास और माँ लक्ष्मी जी की असीम कृपा होती है। लेकिन ध्यान रखने योग्य बात ये है कि कछुआ रिंग धारण कब करें, कौन सा दिन और समय कछुआ रिंग धारण करने के लिए शुभ होता है। दोस्तों, अगर घर का मुखिया कछुआ रिंग धारण करता है तो घर की आर्थिक स्थिति अच्छी रहती है। दोस्तों, कछुआ रिंग यदि आप खरीद रहे हैं तो चांदी के अलावा किसी अन्य धातु की न लें। यदि आप किसी को गिफ्ट भी दे रहे हैं तो आप चांदी की कछुआ रिंग ही दें। चांदी शीतलता प्रदान करती है। अब बात आती है कि कछुआ रिंग कौन से हाथ में धारण करें, क्या महिलाएं रिंग धारण कर सकती है? तो दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। कछुआ रिंग हर कोई व्यक्ति यानी महिला और पुरुष धारण कर सकते हैं। लेकिन ध्यान में रखना है, दाहिने हाथ में सबसे लंबी अंगुली यानी रिंग फिंगर के पास वाली अंगुली में ही धारण करनी चाहिए। दोस्तों, कछुआ रिंग आप जब भी पहनो तो एक बात ध्यान में रखना कि कछुआ रिंग पहनते समय कछुए का जो मुख है ऊपर की ओर होना चाहिए, यानी रिंग पहनने वाली दिशा में ही होना चाहिए। उतारने वाली दिशा यानी नीचे की ओर मुख आप न करें। शुक्रवार के दिन सूर्यास्त के बाद यानी शाम को किसी दुकान पर जाकर कछुआ रिंग खरीदें और ध्यान रखें, अन्य किसी धातु की कछुआ रिंग आप न धारण करें। अब आप कछुआ रिंग घर ले आए, घर लाकर रात भर के लिए कच्चे दूध में डालकर छोड़ दें, यानी एक कटोरी में कच्चा दूध आप ले लें और उसके अंदर कछुआ रिंग को रात भर के लिए डुबोकर रख दें। अगले दिन यानी शनिवार के दिन आप उस रिंग को गंगा जल से धोएं, धोने के बाद उसे धूप दिखाएं, यानी अपने पूजा घर में ले जाकर धूप से निकाल लें। उसके बाद अपने इष्ट देव के नाम का स्मरण करते हुए अपनी राइट हाथ की हथेली में कछुआ रिंग रखकर उस पर ध्यान केंद्रित करते हुए दूसरे हाथ में माला लेकर माला का जाप करें। माला का जाप करते समय बीच की दोनों अंगुली अंगूठे से टच करके माला पकड़ें। साइड वाली दोनों अंगुली आप दूर ही रखें, टच न होने दें। एक पूरी माला का जाप आप इस प्रकार से अपने इष्ट देव के नाम का स्मरण करते हुए करें। लेकिन ध्यान रखना है कि मन न भटके और आपका पूरा ध्यान उस अंगूठी की तरफ ही होना चाहिए। इस तरह से जाप करने से अंगूठी के सारे तत्व जागृत हो जाते हैं। उसके बाद उसे अपने दोनों हाथों में लेकर अपने माथे से लगाएं और फिर अपने हाथ में कछुआ रिंग धारण करें। ऐसा करने से ही आपको कछुआ रिंग के फायदे मिलेंगे। अगर सही तरीके से कछुआ रिंग नहीं पहनी जाती है तो इसके फायदे की बजाय नुकसान भी हो सकते हैं। इसलिए कछुआ रिंग धारण करते समय इन बातों को अवश्य ध्यान में रखें। दोस्तों, हमारी आपके प्रति यही दुआ है कि आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण हो और भक्ति की शक्ति आपके जीवन में बनी रहे और साथ ही साथ आपके इष्ट देवों का आशीर्वाद भी आपके ऊपर बना रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय श्री कृष्णा।